राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रदेश की महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य में अब अविवाहित महिला भी आंगनबाड़ी सहायिका बन सकेगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले प्रदेश की अविवाहित महिलाओं को उपहार देते हुए अब अविवाहित महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बनने का रास्ता खोल दिया। दिया कुमारी ने चयन और शर्तों में संशोधन को स्वीकृति दी। दरअसल डिप्टी सीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती में चयन प्रक्रिया में संशोधन को मंजूरी दी है। भरतपुर जिले के रुदावल से खबर, जहां कस्बे में संचालित राजकीय कन्या महाविद्यालय में गुरुवार के दिन छात्राओं ने कॉलेज में स्टाफ की पूर्ति न होने को लेकर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने बताया कि रुदावल कस्बे में संचालित कन्या महाविद्यालय तकरीबन 150 छात्राएं अध्ययनरत है, लेकिन कॉलेज में अध्यापकों की पूर्ति न होने के कारण छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में असुविधा हो रही है, जिसके चलते छात्राओं ने महाविद्यालय के गेट परिसर पर खड़े होकर प्रदर्शन किया। जी बताएं, आपकी क्या मांग है और यहाँ आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे महाविद्यालय में एक भी स्टाफ नहीं है और हमारा कोर्स बिल्कुल भी नहीं हुआ है, जो भी हुआ है आधा अधूरा हुआ है, और जो भी स्टाफ संविदा में लगाया गया था वो भी अब हटा दिया गया है, इसलिए हमें टीचर चाहिए, नहीं तो हम आगे आंदोलन करेंगे। फिलहाल में आपका क्या कहना है टीचरों को लेकर के? टीचरों को लेकर के ये कहना है कि जो भी संविदा में टीचर लगाए थे वो हटा दिए गए हैं, हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ है, अब हमें टीचर चाहिए जिससे हमारी पढ़ाई आगे चल सके। कौन सा कॉलेज है? राजकीय कन्या महाविद्यालय गोदावल। जेतारण से खबर, जहां लांबिया कस्बे के चांपाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक वो समारोह पूर्वक मनाया गया। समारोह शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, जो सभी दर्शकों के लिए आकर्षक रही। विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में होनहार व प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मेमोमेंटो व शील्ड प्रदान कर हौसला बढ़ाया गया। झालावाड़ से खबर, जहां राष्ट्रीय होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद द्वारा होटल मैनेजमेंट कोर्स BSc कोर्स के लिए JEE 2024 की परीक्षा हेतु आवेदन भरे जा रही हैं, जिसकी अंतिम विधि 31 मार्च 2024 व परीक्षा की तिथि 11 मई 2024 निर्धारित की। प्राचार्य प्रभारी मुकेश कुमार बेरवा ने बताया कि नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट नोएडा भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के अधीन संचालित है, जिसे देश के 57 सरकारी व 25 निजी होटल मैनेजमेंट कॉलेज संबंधित है। जिले का राज्य होटल प्रबंधन संबंधन झालावाड़ BCSC के से संबंधित है।